और आपको बता दें कि आज पीएम मोदी एक बैठक कर रहे हैं, पीएम जन औषधि दिवस पर लाभार्थियों को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मुझे बताया गया कि अभी तक पूरे देश में करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के साथियों को पहले जो खर्चा होता था दवाई के लिए और अब जो खर्चा हो रहा है करीब करीब 2,250 करोड़ रुपए, इसकी बचत ये जन औषधि केंद्रों से जो दवाइयां ली उसके कारण हुआ है। हमारे देश के 1,00,000 करोड़ परिवार के 2,250 करोड़ रुपया बचना ये अपने आप में उनकी बहुत बड़ी मदद है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जन औषधि केंद्र चलाने वाले हमारे नए नए साथी भी जुड़े हैं। मैं इन जन औषधि केंद्र चलाने वाले सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि आप बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। आपके इस काम को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने इस योजना से जुड़े एक पुरस्कारों की शुरुआत करने का भी फैसला लिया है। मुझे विश्वास है कि इन पुरस्कारों से, इन अवार्ड से जन औषधि के क्षेत्र में एक नई स्वस्थ हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ स्पर्धा शुरू होगी। और मुझे विश्वास है इस स्पर्धा का सबसे बड़ा लाभ गरीब को, मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। आइए आज मैं ज्यादा न बोलते हुए आप लोगों से बातें करना चाहता हूं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुझे कहा गया है कि सबसे पहले ए फॉर असम, असम में हमें गुवाहाटी जाना है, तो सबसे पहले गुवाहाटी के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। हमारी एमपी साहिबान दिख रही हैं, हमारे कुछ मंत्री दिख रहे हैं, हमारे साथी सब वहां नजर आ रहे हैं। बताइए कौन बात करेगा। नमस्कार मंत्री महोदय। नमस्ते जी, मेरा नाम अनुभव महंता है और 13 साल पहले मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें से मैं 72% फिजिकली चैलेंज हो गया। तो उसी टाइम से सर मैं हमेशा चाहता था कि पेशेंट या गरीबों के लिए कुछ किया जाए। तो 3 साल पहले मैं मुझे ये जनौषधि के बारे में पता चला और उसके बाद हम लोगों ने एक इधर स्टार्ट किया और उसके बाद हम लोगों का अभी 2 जनऔषधि केंद्र है और हम लोग मेरा मित्र मिलकर अभी तक 6 गुवाहाटी में खुला हुआ है सर। और इसमें से सर क्या बताइए अनुभव सर, इसमें पहले आदमी बहुत काम आता था, अभी धीरे धीरे करके सबको जान पहचान हुआ है और सबको इतना सस्ता में दवाई मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि इससे मैं अपना जीविका तो कर ही रहा हूँ, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और ऊपर से सबका गरीबों का बहुत हेल्प हो रहा है सर। चलिए पहले तो आपको बहुत बधाई है क्योंकि आपने रोजगार तो कमाया लेकिन रोजगार का एक नया रास्ता खोजा जिससे आप कईयों की मदद कर रहे हैं। और आपने कहा कि आपके साथी भी इस नए नए काम में जुड़ रहे हैं, मुझे खुशी है। शायद वहां और भी कुछ लोग होंगे बात करना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अशोक कुमार बेताला गुवाहाटी असम से बोल रहा हूं। तो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आप बोलते चलिए, आप माइक की चिंता मत कीजिए, मुझे सुनाई दे रहा है। मैं सर मेरा ब्लड हेलो अरे आप माइक की चिंता मत कीजिए भाई, वो जो ठीक कर रहे हैं आप चिंता मत कीजिए माइक की, वो जो करते हैं करने दीजिए, अशोक जी को करने दीजिए, सब लोग मदद करने जाओगे तो क्या होगा भाई। मैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का पेशेंट हूँ। मेरा 2015 में हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ था। तो सर मैं लगातार 4 वर्षों से मैं दवाई ले रहा था, अंग्रेजी दवाई। तो
फिर मेरे मित्रों ने परिचितों ने बोला कि यहाँ बेलतला गुवाहाटी में मोदी जी की एक दुकान इधर में खुली है, आपका यहाँ पूरा गुवाहाटी में मोदी जी के दुकान के नाम से ही यहाँ जाने जाते हैं आप सर। तो मैं तो जन औषधि केंद्र किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं इस पर प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं, लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि किस तरह से जन औषधि केंद्र जो खुले हैं उनसे दवाइयों का लोगों का खर्च कम हुआ है, अपने एक्सपीरियंसेस लोग बता रहे हैं। आइए एक बार फिर लिए चलते हैं। दादाजी की सेवा करते हो, दादाजी दिवस पर प्रधानमंत्री सीधे लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से सीधे बात कर रहे हैं। असम के कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, एक शख्स बता रहे थे कि किस तरह से उन्हें ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी है, अंग्रेजी दवाइयों का वो सेवन करते थे, काफी महंगी वो दवाइयां मिलती थी, लेकिन जन औषधि केंद्रों से अब जब उन्हें दवाइयां मिल रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, मोदी का दवा खाना, इस तरह से असम में लोग इन जन औषधि केंद्रों को जानते हैं, तो लोग वहां से अब सीधे सीधे सस्ते में दवाइयां खरीद रहे हैं, दवाइयां उन्हें प्राप्त हो रही हैं, ऐसे में उनको फायदा हो रहा है। लगभग 6,000 जन औषधि केंद्र देश भर में खुले हैं, लाखों लोगों को सस्ती दवाइयां मिल रही हैं, इससे उन्हें फायदा मिल रहा है। तमाम जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो नजर आ रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं आपको, आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री सीधे लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोग बेहद खुश हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर। आइए एक बार फिर सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री से लोग। वो हमारे मंत्री जी वहां बैठे हैं, तेली जी को दे देना, वो पार्लियामेंट में आएंगे तो मुझे मिल जाएगी। सर मैं उसी की बदौलत से ही मैं मतलब माँ कामाख्या की से ही मैं, और दुआ और दवाई से दोनों से ही मैं हुआ, दुआ माँ कामाख्या की और दवाई आपकी मोदी जी की इच्छा। और मेरा पूरा परिवार, मेरा सहयोगी, ये सब, ये झंकार जी, दुधेड़िया जी, इन्होंने मेरे को मतलब बोले थे, बोला ये दवाई है जो आप तो मतलब मोदी जी की दुकान है, इनसे मतलब ये दवाई आप लीजिए। और सर कोरोना वायरस का आपको जो बीमारी चल रही है उसके बारे में आप मतलब सुझाव दीजिए सर। चलिए अशोक जी आप अपने